लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बारिश से परेशान मुंबई, जनजीवन अस्त व्यस्त। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन जिले पूरी तरह से सूखे पड़े। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन जिले पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को महाराष्ट्र के जिलों में बारिश का यह आंकड़ा जारी किया। मुंबई के उपनगरों में सामान्य रूप से होने वाली बारिश 19.4 मिलीमीटर के मुकाबले 184.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 850% ज्यादा है। मुंबई शहर में सामान्य बारिश 17.8 मिलीमीटर के मुकाबले 184.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 831% ज्यादा रही। भारी बारिश के बावजूद मुंबई में यातायात पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। उपनगरीय ट्रेनें, सड़क परिवहन व उड़ान सेवाएं जारी हैं। हालांकि कई इलाकों में जलभराव है और अधिकांश स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अधिक बारिश के मामले में रायगढ़ दूसरे नंबर है। जिले में सामान्य बारिश 33.2 मिलीमीटर के मुकाबले 124.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 272% ज्यादा है। पालघर में भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां सामान्य बारिश 32.3 मिलीमीटर के मुकाबले 100.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 210% ज्यादा है। ठाणे में 31.6 मिलीमीटर के मुकाबले 200% ज्यादा 94.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि गढ़चिरौली में 45.8 मिलीमीटर, यवतमाल में 40.3 मिलीमीटर और रत्नागिरी में 36.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि अहमदनगर, नंदुरबार, धुले, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है।